चीन में सबसे ज्यादा मशहूर है बुद्ध और टैगोर। चीन में भगवान को लेकर गहरी आस्था है, लेकिन उनके अलावा वहाँ सबसे ज्यादा मशहूर भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है। पेकिंग विश्वविद्यालय के वागबोही का कहना है कि चीन और भारत के दो सहस्त्रवादी पुराने रिश्ते के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे सबसे करीब थे। वांग टैगोर की चीनी यात्रा और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर अंग्रेजी में किताब लिख रहे हैं। किताब का नाम टैगोर इन चाइना है। उन्होंने कहा कि साक्य मुनि बुद्ध का चीनी नाम से हमें दिव्य का बोध हुआ, वही टैगोर जो कि उत्तम और प्रशासनीय थे। सेज द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का यह संयोद्धय तान वुग अमिन देव और वेग लुमिंग है। पुस्तक की शुरुआत 1924 में टैगोर की चीन यात्रा से शुरू होती है। उस यात्रा के दौरान चीनियों ने टैगोर को 63वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई और उन्हें झू झेनदार की चीनी नाम दिया। टैगोर का 150वीं वर्ष गांठ में मौके पर प्रकाशित हो रहे इस संकलक में अमृत सेन प्रसेनजीत द्वारा उमा दास गुप्ता जैसे प्रमुखता शिक्षा विद्यार्थियों के सिद्धांत का आरेख है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।